السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين سورة الرحمن आयत नंबर 62 से 78 तक लफ्जी तर्जमा व मिन दूनिहिमा और इन दोनों के अलावा जन्नतान अपने रब की तुकद्दिबान तुम दोनों झुठलाओगे मुदहम्मतान दोनों गहरे सब्ज हैं फबी अय्यी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे फी हीमा इन दोनों में आईनानी दो चश्मे हैं नज़्वाख़तान दोनों जोश मारने वाले फबी अय्यी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे फीहिमा इन दोनों में फाकिहतुन फल हैं व नखलुन और खजूर के दरख्त व रुम्मान और अनार हैं फबिअय्यी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे फीहिन्ना इनमें खैरातुन नेक औरतें हैं हिसान खूबसूरत फबिअय्यी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे हूरुन हूरे मक़सूरातुन ठहराई हुई फिल खियाम खैमों में फबिअय्यी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे लम नहीं यत्मिथुन्ना छुआ उन्हें इंसुन किसी इंसान ने क़बलहुम इनसे पहले वला और ना जानुन किसी जिन ने फबिअय्यी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे मुत्तकीना तकिया लगाए हुए होंगे आला रफ रफिन कॉलिनों पर खुजरिन सब्ज व अब करीन और नादिर हिसान खूबसूरत फबिअय्यी तो कौन सी आलाई नेमतों को रब्बिकुमा अपने रब की तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुठलाओगे तबारका बहुत बाबरकत है इस्मु नाम रब्बिका आपके रब का दिल जलाली जो बुजुर्गी वाला है वल इकराम और इज्जत वाला है तफसीर आयत नंबर 62 से व मिन दूनिहिमा जन्नतान और इन बागों के अलावा दो बाग और भी हैं अब और दो बागों की बात हो रही है और उन जन्नतियों की बात हो रही है जो कि मुकर्रबीन है यानी अस्हाबुल यमीन है मुकर्रबीन है अल्लाह के करीब हैं तो अस्हाबुल यमीन और मुकर्रबीन इनके बारे में भी उल्मा कहते हैं कि उनकी भी दो दो जन्नतें होंगी उनकी नबातात जन्नतों का डिज़ाइन ये सब कुछ बाकी जन्नतों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जन्नत अदन जन्नत नईम के अलावा जन्नतुल फिरदाउस जन्नतुल मावा भी हैं फिरदाउस और मावा मुकर्रबीन के लिए और दूसरी जन्नतें बाकी सब के लिए होंगी फिर इसी तरह कुछ उलमा ने यह भी कहा है कि जन्नत वालों की तो अपनी जन्नतें होंगी लेकिन जो उनके गिलमान हैं यानी जो लड़के वहाँ पर काम कर रहे होंगे और बाकी जो जन्नतें हैं वो उन लोगों की होंगी कि जो के जिन्होंने अमाल तो नहीं किए
मगर उन्हें खिदमत के लिए मामूर कर दिया गया, जन्नतियों की खिदमत के लिए जो मामूर होंगे। तो कहा यह जाता है कि जो बाकी जन्नतें हैं वो उन लोगों के लिए जो हैं वो होंगी कि जिन्होंने अमाल नहीं किए लेकिन वो खिदमत पर मामूर थे। इसी तरह हम थोड़ा सा देख लें कि दुनिया में जब हम अपने लिए कोई आलीशान घर बनाते हैं तो मुलाजमों के लिए क्या बनाते हैं, तो इसी तरह उल्मा भी यही कहते हैं कि इसका माना भी यही है कि सबसे ऊंची आला और अरफा जन्नतें जन्नतियों के लिए, और जो बाकी जन्नतें होंगी वो उनके लिए कि जो के खिदमत पर मामूर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ उल्मा ये कहते हैं कि कुछ जन्नतें मुकर्रबीन की और अस्हाबुल यमीन की होंगी और बाकी जन्नतें उनसे कम दर्जे के लोगों के लिए होंगी। वल्लाहु आलम। फिर आगे ही अल्लाह सुभाना व ताला फरमाते हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, या मेरे प्यारे अल्लाह हमें भी आला और अरफा जन्नतों वाला बना देना, और अल्लाह सुभाना व ताला हमारी जन्नतों में किसी किस्म की कोई कमी ना हो और हमें दुनिया में ऐसे बेहतरीन अमाल करने की तौफीक अता फरमा दें जिनसे आप राजी हो जाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर फरमाया जा रहा है कि मुदहम्मतान, दोनों खूब गहरे सब्ज। पहले यहाँ पर ज़वाता अफनान आया सूरतुर रहमान में, यानी बड़े बड़े दरख्त, और यहाँ पर फिर सब्जे का जिक्र है, यानी बहुत ही मुदहम्मतान, जैसे आप समझे कि ऐसा सब्जी माइल, ऐसा सब्ज रंग जो है वो हो कि जिसमें तारीकी हो, गहरा सब्ज रंग, तो जिसके अंदर तारीकी मौजूद हो, तो ऐसे सब्जी माइल जो है वो जन्नत होगी, यानी इतनी सब्ज होगी और इतने ज्यादा उसके अंदर ग्रीनरी होगी कि जो बाकी चीजें हैं उनके उसके नीचे जो है वो तारीकी में ढक जाएंगी, और बहुत ज्यादा खूबसूरत और एक बेहतरीन सब्जी माइल रंग। और फिर आगे ही फरमा दिया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। आयत नंबर 65 में अल्लाह सुभाना व ताला फरमाते हैं कि इन दोनों जन्नतों में जोश मारते उबलते हुए चश्मे हैं। ये चश्मे बाज ने कहा कि खैर बरकत से फूट रहे होंगे, यानी उन जो जन्नती इन दोनों जन्नतों में जाएंगे उनकी खैर बरकत से ये चश्मे फूट रहे होंगे। बाज ने कहा ये चश्मे फलों से फूट रहे होंगे, और बाकी तो अल्लाह सुभाना व ताला ही जानते हैं कि वो दो दो चश्मे जो हैं वो कैसे होंगे और कितने खूबसूरत होंगे। अगर खाली हम कुछ देर के लिए सोचने ही बैठ जाएं तो ऐसा जो है वो दिल को सुकून मिल जाता है और आंखों के आगे ये तमाम दुनिया के नज़ारे आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुभाना व ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जन्नत के नज़ारे किस कदर खूबसूरत होंगे। और फिर साथ ही फरमा दिया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। फिर अल्लाह सुभान व ताला आगे और दो टॉप के फलों का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। पहले सारे फलों का जिक्र कर दिया गया और फिर खजूर का, और उस पर भी ऊंचा फल अनार का जिक्र किया गया। इसीलिए मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अगर तीन चार फल आपके सामने खाने के लिए पड़े हों तो उसकी तरतीब ये रखनी चाहिए कि पहले सारे फल खा ले और खजूर उसके ऊपर से खाई जाए, ये मुफस्सरीन कहते हैं। और फिर इसी तरह मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि अगर जूस पीना है तो अनार का जूस जो है वो बाद में पिया जाए, यानी अगर दो या तीन जूस आपके सामने इकट्ठे पड़े हैं तो पहले आप दूसरे पी लें और उसके बाद जो है वो आप अनार का जूस पिए। और फिर साथ ही मुफस्सरीन ये भी कहते हैं कि जन्नत के फल दुनिया के फलों से तो मुख्तलिफ होंगे, सिर्फ नाम की हद तक ही मुशाबियत है। तो सोचिए कि जब दुनिया के फल इस हद तक खूबसूरत और इतना आंखों को लुभाने वाले और इतने जायके में जबरदस्त के खाते ही ना सिर्फ आंखों को बल्कि पूरे जिस्म को एक सुकून मिल जाता है, तो जन्नत के फलों का क्या हाल होगा। और फिर साथ ही फरमा दिया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान,
आगे ही अल्लाह सुबहान व तआला एक और खूबी का जिक्र करते हैं, वो है फीहिन्ना खैरातुन हिसान, और इनमें नेक सीरत और खूबसूरत औरतें हैं। यानी उसके बाद फिर औरतों का जिक्र आ गया कि इनमें खूबसूरत नेक औरतें होंगी इन जन्नतों में, यानी वो दुनिया की औरतें जो मोमिन होंगी, खैर वाली होंगी, उम्दा अखलाक वाली होंगी, और उनके उसके साथ साथ वो नहायत ही बेहतरीन शक्ल और सूरत वाली भी होंगी, तो वो तमाम औरतें वहां पर मौजूद होंगी। और साथ ही बता दिया गया क्या कि फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें तुम्हें दी गई हैं, कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। साथ ही अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, वो हूरे हैं जो खेमों में मस्तूर हैं। यहाँ पर जो हूर है वो सफेद जिस्म और स्याह आंख वाली औरत को कहते हैं। मकसूरातुन जो खेमों में रोकी हुई होंगी, हूर वो औरत जो अपनी तमाम तखलीक में बहुत खूबसूरत होती है, आंखों का सफेद हिस्सा बहुत ज्यादा सफेद, काला हिस्सा बहुत ज्यादा काला होता है, खुली और गोल आंखें और खेमों में रोकी हुई होंगी, यानी निगाहें झुकाने वाली, अपनी जगह पर रुकी हुई, इधर उधर फिरने वाली नहीं। इससे पता चलता है कि औरत का बेहतरीन मकाम उसका अपना ही घर है। जन्नत के घरों की तो क्या ही शान होगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जन्नत के खेमों में से एक खेमा ऐसा भी होगा जो सिर्फ एक खोखले मोती जितना होगा। तो सोचिए कि इतने बड़े बड़े घर जन्नत के, और एक मोती, एक खोखला मोती, सुभान अल्लाह, ना कभी किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना, और फिर अल्लाह सुभान व तआला जब हमें वहां दिखाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। और फिर ये भी बताया गया कि ये जो एक खोखले मोती का बना हुआ खेमा होगा उसकी लंबाई 60 मील है, उसके हर गोशे में मोमिन के लिए अहल है, और वो इन पर चक्कर लगाएगा मगर वो एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। और फिर साथ ही बता दिया फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन सी नेमत को झुठलाओगे। आगे ही अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं लम यतमिथुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, उनको अहले जन्नत से पहले ना किसी इंसान ने हाथ लगाया और ना ही किसी जिन ने। यानी उन औरतों की खूबी ये है कि उनको जिन और इंसान से पहले किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक कंवारी औरत को ज्यादा तरजीह जो है वो दी जाती है। और फिर इसी तरह जैसे पहले भी जिक्र किया कि सूरतुल वाकिया में बयान किया गया है कि उन औरतों को नए सिरे से पैदा किया जाएगा, यानी जो दुनियावी औरतें हैं उनको नए सिरे से पैदा किया जाएगा, कवारिया और शोहरों के दिलों को मोह लेने वालियां। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी ऐसी औरतों में शामिल फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और आगे ही फिर फरमा दिया फबी अय्यी आला ई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। मुत्तकीना अला रफरफिन खुजरिन व अबकरीन हिसान, सब्स कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। सुभान अल्लाह, यानी जन्नती ऐसे कालीनों पर तकिया लगाए हुए होंगे जो सब्स हैं और नादिर और नफीस हैं। यहाँ फिर भी आराम की जो है वो जगह बताई गई, अबकरी अबकर से है, नादिर और नफीस चीज के लिए आता है। अरबों के यहाँ जो है अबकरी को जिन्नों की दारुसल्तनत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर इसी तरह एक और बड़ी प्यारी सी रवायत हमारे सामने आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लिए फरमाया था कि मैंने उमर से बेहतर कोई अबकरी नहीं देखा है जो कि इस जैसे काम करता हो, यानी बहुत काम करते थे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, तो उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबकरी का खिताब दिया था। और फिर इसी तरह जन्नत के कपड़े, जन्नत के कारपेट्स, जन्नत के बिस्तर, जन्नत के तकिए, हर एक चीज जो है वो बहुत ही यूनिक होगी, जो जो हमने
दुनिया में ना कभी देखा ना सोचा और उनकी दुनिया में कोई मिसाल ही मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा जन्नत में एक दरख्त है जिसकी मुसाफियत 100 साल है। अहले जन्नत के कपड़े उसी दरख्त के फलों के छिलकों से बनाए जाएंगे। सूरत दुखान में भी आता है कि बारीक और मोटे रेशम के कपड़े पहने हुए होंगे जो जन्नती होंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला हमें भी ये कालीन, ये मसनदें, ये तकिए और ये कपड़े पहनना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर साथ ही बता दिया गया कि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और फिर आखिर में कह दिया गया कि तबारक स्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इक्राम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल व अजमत है उसका नाम बड़ा ही बाबरकत है। सूरत का आगाज भी अर रहमान से हुआ और आखिर में भी अल्लाह सुबहाना व ताला का जिक्र किया जा रहा है। रब का नाम ही बहुत बाबरकत है, बहुत इज्जत वाला है। रब खुद भी बहुत इज्जत वाला है और जिस चीज पर अल्लाह सुबहाना व ताला का नाम ले ले वो चीज भी बहुत बाबरकत हो जाती है। इस सूरत में जो नेमतों का जिक्र है, जिसने दुनिया में सही नेमतों का इस्तेमाल किया उसके लिए आखरत में उससे बढ़कर नेमतें मौजूद होंगी, और जिसने दुनिया में नेमतों का गलत इस्तेमाल किया उससे आखरत में ये तमाम नेमतें छीन ली जाएंगी। अल्लाह सुभान व तआला से दुआ करते हैं कि या मेरे परवरदिगार हमें भी नेमतों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका सिखा दें और हमें अपने चुने हुए बेहतरीन लोगों में शामिल फरमा दें। और या मेरे प्यारे अल्लाह, हम इस सूरत का हक तो अदा नहीं कर सके लेकिन जो कुछ भी पढ़ा और पढ़ाया गया था वो सब बहुत खुलूस के साथ था। अल्लाह सुबहाना व ताला हमारे इस अखलास को कबूल फरमा ले और अल्लाह सुबहाना व ताला क़यामत के दिन इसका ऐसा अच्छा और बेहतरीन अजर अजीम अता फरमा दे जिसको देखकर हम सब खुश हो जाने वालों में से हों। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नश्हदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।